नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आगामी 17 जुलाई को जनपद स्तर पर हरेला पर्व की तैयारियों को लेकर मुख्य विकास अधिकारी अपूर्व पांडे ने विकास भवन सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि इस वर्ष हरेला पर्व जल संरक्षण एवं जल धाराओं का पुनर्जीवन थीम पर आधारित है, जिसके तहत समूचे जनपद में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने जिला मुख्यालय सहित क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत आयोजित होने वाले हरेला पर्व कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से शामिल करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही वृक्षारोपण में आमजन की सहभागिता को भी सुनिश्चित करें। मुख्य विकास अधिकारी ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह हरेला पर्व के दिन वृहद वृक्षारोपण हेतु सभी विभागों संस्थाओं को पौधे उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिला मुख्यालय सहित तहसील व विकास खंड स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह हरेला पर्व के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों व गोष्ठियों में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। साथ ही अधिक से अधिक लोगों को पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने व जल संरक्षण के महत्व की जानकारी दें। उन्होंने बताया कि इस वर्ष हरेला पर्व के अवसर पर रेंज के प्रत्येक वन अनुभाग स्तर पर एक हरेला वन की स्थापना की जाएगी, जिससे फल व चारा प्रजाति के वृक्षों का रोपण किया जाएगा। कहा कि इन वनों में अगले 5 वर्ष तक बरसात के मौसम में पौधारोपण निरंतर किया जाएगा। अमृत सरोवर हर वर्ष रिचार्ज होते रहे, इस हेतु उन्होंने अधिकारियों को अमृत सरोवर के आसपास वृक्षारोपण का प्लान तैयार करने को कहा है। जिला मुख्यालय पर सामूहिक वृक्षारोपण जज कोर्ट के समीप किया जाएगा। न्यूज 9 भारत के लिए वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।